तुम्हारी सुंदरता जीवन का दूसरा नाम है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारी सुंदरता में बस यूं ही डूबे रहे और जीवन बीत जाए। हाँ तो फिर जीवन भर के लिए हमें आप अपने साथ क्यों नहीं रख लेते? क्या हुआ, कर लीजिए विवाह, जीवन भर खुशी खुशी खुश करते रहेंगे। हम यहाँ इसलिए आते हैं ताकि तुम्हारी खूबसूरती की प्रशंसा कर सके। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हम अपनी पत्नी का दर्जा देते। लेकिन राजकुमार जी भी तो केसर से विवाह कर रहे हैं ना, तो फिर हम क्यों नहीं? जिनके पैरों में घुंघरू का बोझ होता है वो राज घराने की चौकट नहीं लांघते। एक नर्तिका के वंश में तुमने जन्म लिया है और राजवंश की रानी बनने का सपना देखना भी नाजायज है। हाँ, इसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड भी मिल सकता है। इसलिए वही करो जिसके लिए तुम माहिर हो। जावे साहब की जब भी कोई जरूरी बात करनी होती है ना, जावे साहब गायब ही रहते हैं। पता नहीं अब कहाँ हैं। कुठेत! आपका संदेशा भिजवा दिया है आई, सुबह आते ही होंगे। हो का? सीता भाई, एक बात ध्यान रखो, अपने पति की गतिविधियों पर नजर रखा करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी हालत भी मैना जैसी हो। आप मुझे डरा रही है आई। नहीं बना, चेतावनी दे रही हूँ। वो ऐसे नहीं है। वो ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, तो कैसे है? और वैसे आपके पतिदेव है कहाँ? वो हर शाम ग्राम देवी के मंदिर दर्शन करने जाते हैं। आज भी वही गए हैं। कल? जी। तुम लोगों को तो मालवा से जाने के लिए कहा था ना, तो फिर अभी तक
वापस क्यों नहीं गए? मजबूरी थी। मजबूरी? कैसी मजबूरी? हमने बहुत कोशिश की लेकिन छोटी रानी ने तुकुजी सरदार से कहकर सारी सीमाएं बंद कर दी। किसी का भी अंदर बाहर आना जाना बिल्कुल मना है। और आपको तो पता है आपके नाम संदेशा भी आया है। छोटी रानी हर हाल में उन लोगों को ढूंढ रही है जिन्होंने केसर पर हमला किया था, और आपकी सासूबाई ने आपको फौरन बाड़े में बुलाया है। अब आप ही हमें कहीं छुपने की जगह बताइए। देखो, तुम लोगों को तुम्हारे काम की उचित धनराशि दे दी गई है, तो अब तुम लोगों को जो करना है वो तुम लोग करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस कतार को तुम्हारे खून से बहुत फर्क पड़ता है। देख लीजिए गुनू जी, अगर हम कहीं पकड़े गए तो सबसे पहला नाम हमारी जुबान पर तुम्हारा आएगा। सासुबाई, क्या हुआ जावे साहब, इतने घबराए हो क्यों? हमें लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। क्या? हाँ, कोई तो है जो हमारा पीछा कर रहा है। ठीक है, आप शांत हो जाइए। ये देखिए सासुबाई, यही है वो लोग। कौन हो तुम दोनों? तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम वाड़े तक घुस आए? जल्दी से अपना नाम बताओ वरना यही जान से मार देंगे। जावे साहब हटाओ ना। तुम दोनों वहां क्या कर रही थी? और सीता, ऐसी जगह जाने की क्या आवश्यकता थी? चुप रहिए आप। हाय साहब, आपको क्या चाहिए? कहां गए थे? ये रणमहल गए थे। सावे साहब, ये क्या कह रही है? मैं पूछ रही हूँ क्या कह रही है ये? आपने सही कहा था आई साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी। ये भी माले राव जैसे निकले आई साहब। जी जावाई साहब, क्या कह रही है ये? एक तो वैसे भी केसर और माले राव को लेकर यहाँ बवाल चल रहा है, और आप वहाँ रंग महल में गए थे? लाज नहीं आता तुम्हारा? क्या समझती थी इनको और ये क्या निकले आए? अगर आप लोगों का हो गया हो तो हम कुछ बोल सकते हैं? क्या बोलेंगे आप? कैसे साबित करेंगे कि आप वहां नहीं थे? भाई साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से इन्हें वहां पर देखा है। हाँ देखा है, देखा, लेकिन अपना दिमाग लगाए बिना देखा है। ये सच है कि हम ऐसी जगह गए थे, लेकिन अपना मुंह काला करने नहीं गए थे। जैसे तुम हमें वहां खोजने गई थी, वैसे हम वहां कुछ और खोजने गए थे। सासू भाई, हम वहां हीरे की खोज करने गए थे। और हम आपको बताएं, हम वहां ऐसा हीरा खोजने गए थे जो आपकी गर्दन में सजेगा तो जेवर बन जाएगा, और अहिल्या की गर्दन पर नाक जो बिना डसे जहर फैला देगा। ऐसा क्या मिला है आपको? बताते हैं आपको, अभी सब कुछ बताते हैं। वाह जावई साहेब, वाह।
क्या कमाल का हीरा खोज कर निकाला है आपने। ऐसे नहीं कहते हम कि आप हमारे कीमती हीरे हो। वाह जान, माफ कीजिएगा, हमसे गलती हुई थी। हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। सीता सुनो, आज के बाद दोबारा हम पे शक मत करना। कभी नहीं। जाओ। कैसी है तबीयत अब सरकार की? वैद्य जी ने दवा तो दे दी है, बस नींद आ गई है सरकार को। अक्का साहब, कुछ ज्यादा तकलीफ तो? अब तो उम्र हो चुकी है सरकार की, आप तो जानते हैं अर्को भाई साहब, और उम्र सबसे बड़ी बीमारी होती है। तो ऐसी हरारत तो अब होती ही रहेगी। हाँ, पर इस उम्र में मन पे तनाव ना हो तो अच्छा होता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।